हमारे रहे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पुलाव। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके लिए मैं कुकिंग ऑयल आधा कप तकरीबन डालूँगी, क्योंकि हमारे पास 3 गिलास चावल है, 1 किलो चिकन है। इसमें मैं अब शामिल कर दूँगी प्याज। ये देखिए मेरे पास कटा हुआ प्याज 1 अदद। ये सब्ज़ मिर्ची हैं जो मैं फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी इसमें से। ये टमाटर हैं 2 अदद, बारीक काट के रख लिए। ये इसके लिए गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ये सारा कुछ आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून लिया है गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच जो है वो तकरीबन 2 टीस्पून या 2.5 टीस्पून आप कर ले, 2.5 सॉल्ट की, और 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर है। और ये चिकन है, ये धोकर मैंने इसको रख लिया है। हर चीज़ अपने पास रखें ताकि आपको रेडी करने में देर ना लगे। चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम अच्छा सुनहरी होने देंगे, अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें पानी डालकर इसका कलर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज बहुत ही अच्छे ब्राउन हो गए हैं, इनका कलर बहुत अच्छा निकलेगा, ना ज़्यादा तेज़ और ना बिल्कुल ही मदद। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, अब इसको अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि इसका कलर आ जाए। बहुत से देखने वाले कहेंगे कि पुलाव बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन वो बच्चियां जो अभी नया ना खाना पकाना देख रही हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि उनको इस तरह देखने को मिल जाएगा। अब हम ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। इसमें मैं अपने सारे जो नमक मिर्च है और ये जो पिसा हुआ सारा मसाला ऐड कर दूंगी इसमें। ये मिर्चें जब आप बना के देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे घर वाले, मेरे फैमिली फ्रेंड्स ये बहुत शौक से खाते हैं और बहुत फरमाइश करके मुझसे बनवाते हैं कि अगर आप पुलाव बनाएंगी तो हमारे लिए ये मिर्चें ज़रूर बनाएं, क्योंकि इनका जायका बहुत ही मज़े का होता है। नमक थोड़ा सा प्लेट के साथ लगा रहा है, उसको फिर मैंने दोबारा से उसमें डाला है। इनको अच्छी तरह हम भूनेंगे, जब ये थोड़ी सी नरम हो जाएंगी तो इनको हम निकाल लेंगे और फिर इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी।
चम्मच हिलाते रहें ताकि आपका मसाला नीचे ना लगे। कुछ लोग लहसुन डालना चाहें पुलाव में तो डाल ले, लेकिन मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती पुलाव में, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। जिन लोगों को पसंद हो वो ज़रूर डालें। इस मौके पर जब प्याज ब्राउन हो जाते हैं फिर कुटा हुआ लहसुन और अदरक शामिल कर लें, फिर उसके बाद टमाटर और ये मिर्चें वगैरह डाल के आप फ्राई करें। अब मैं इन मिर्चों को निकाल लूँगी जो बस रेडी है। इनमें आपने पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, जो बस तड़का लगाते हुए आपने पानी डाला है प्याज़ों का कलर निकालने के लिए, वो भी जब हल्का सा खुश्क हो जाए तब आपने मिर्चें उसमें डालनी है। ये टमाटर के पानी में ही थोड़ी सी गल जाएंगी, नरम हो जाएंगी। ये बनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने ये बनाया है आपको कैसा लगा। अब हम इसको थोड़ा सा पानी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हिला देंगे ताकि जो मसाला थोड़ा बहुत नीचे लगने वाला हो गया उसको जगह मिल जाए कि वो अपनी जगह पर अच्छी तरह रेस्ट हो जाए। ये देखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारा मसाला सेट हो गया। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन शामिल कर दूँगी। आगे इस जगह पर हम इसमें खड़ा मसाला सारा ऐड कर देंगे, लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, बादियान के फूल और तेज़पत्ता, ये सब डाल के हम इसको भून लेंगे। ये देखिए मिर्चें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इनको साइड पर रख देंगे और अब ये देखिए आप, ये है ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबुत, तेज़पत्ता दो अदद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने धो के रख लिए हैं। ये दालचीनी का एक टुकड़ा, दो अदद मोटी इलायची। ये देखें जिन बच्चियों को नहीं इन हर्ब्स का भी पता उनके लिए, ये काली मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, 4 अदद लौंग है, ये बादियान फूल है, ये टूट गया था धोते हुए मुझे, मैं असल में सारे मसाले धो के डालती हूँ, तेज़पत्ता भी और ये सारी चीज़ें, सूखा धनिया भी मैं धो के खुशक करके फिर उसको पीसती हूँ। गरम मसाला जो घर में पीसना होता है उसको भी धो के सुखा लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा मौसम है जिसमें आप इन सारी चीज़ों को लेकर धो के सुखा सकते हैं। घर वाले कहते हैं कि तुम बहुत वहम करती हो इसलिए धोती हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने घर वालों के लिए साफ़ सुथरा पकाना। और एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी कि दालचीनी जो मैंने डाली है वो ये देखें आप, ये पाकिस्तान में बहुत कम मिलती है, ये असल में श्रीलंका से इम्पोर्ट होती है, वहाँ की दालचीनी की बहुत ही अच्छी स्मेल है और बहुत ही अच्छी है। मुझे ये सेंटोरस से मिली थी, मैं वहाँ से लेके आई थी इस्लामाबाद से, और बहुत अच्छी है माशाल्लाह, इसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त होगी, आप लोग देखें और ट्राई करें। बड़े शहरों में तो मिल जाएगी, वैसे आम तौर पर पाकिस्तान में जो मिलती है आप अगर ना हो ये तो वही यूज़ करें। इसको आप अच्छी तरह भुनेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करके इसकी यखनी तैयार करेंगे और फिर इसमें चावल ऐड करूँगी मैं।
ये देखिए अच्छी तरह अब हमारा चिकन भुन चुका है। तकरीबन 15-20 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। देखिए गोश्त अपना बहुत अच्छा कलर ले चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 ग्लास चावल है मैं और पुराने चावल है मेरे पास। तकरीबन 3 ग्लास में अगर पुराने चावल हैं तो आप लोग 6 ग्लास पानी डालोगे, क्योंकि पुराने चावल डबल पानी लेते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा अच्छा है, इसलिए मैंने जग से नाप ऐसे ही पानी ऐड कर दिया उसमें। अगर थोड़ा लगे थोड़ा सा और डाल दें और इसको बॉयल आने दें अच्छी तरह, जिस पे यानी बहुत अच्छे से पक जाए। और ये जो पतीला आपको इस तरह साथ में जो मसाला लगा हुआ नज़र आ रहा है उसको आप इस तरह साफ़ कर लें, ताकि वो आपकी खाना बनाते हुए पतीला जितना साफ़ होगा, चूल्हा जितना साफ़ होगा, आपको उतना ही खाना बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है, और मैं साथ में इसके रायते की तैयारी शुरू करती हूँ। बहुत अच्छा हमारा गोश्त गल चुका था, उसमें अब मैंने चावल शामिल कर दिए हैं जो मैंने धो के आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। और बस अपनी तरफ से मैं वीडियो बना रही थी और मैंने उसका बटन ही ऑन नहीं किया, और जो चावल थे वो अभी अभी मैंने शामिल किए। अभी देखते हैं बर्तन में तो चावल अभी रहते हैं, और मेरा ध्यान गया है कि ये इसका बटन ऑन नहीं है, और कभी कभी हमारे साथ इस तरह भी हो जाता है। अब इसे ढक्कन ढक कर थोड़ी देर बॉयल आने दूंगी, और फिर इसको हम जब पानी खुश्क हो जाएगा तो दम लगा देंगे। थोड़ी देर हो गई है इनको डाले हुए, अब हम अपने चावलों को चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। और अब इसमें से मैं नमक टेस्ट कर लूँगी। इस तरह आप किसी चम्मच में थोड़ा सा इसका जूस लेके हल्का सा कम है नमक तो वो मैं और शामिल करूँगी। तकरीबन आधी चम्मच, क्योंकि मुझे काफ़ी फीके लगे हैं। मेरे घर में असल में बहुत हल्का कलर पुलाव का, मेरी अम्मी जान जो मेरी मदर इन लॉ है उन्हें बहुत हल्का कलर पुलाव का पसंद है, इसलिए मैं बहुत ही लाइट निकालती हूँ। इसके साथ साथ ही आप अपने रायते की तैयारी भी कर लें। वो मैं हरियाली रायता बना रही हूँ, उसके लिए मैंने खीरे और टमाटर बारीक बारीक काट लिए हैं। ये धनिया, ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च मैंने काट लिए, इसको मैं ब्लेंडर में शामिल कर दूँगी। एक प्याली दही है जिसमें से थोड़ी सी दही हम इसमें अपने ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। ताकि आपकी ब्लेंडिंग जो है वो आसान हो जाए। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी।
पहले हम अपने चावलों को दम लगा लेंगे। ये देखते हैं जैसे कि आपको हल्के हल्के बबल अब नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमारे चावल दम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इसको मैं ढक कर दम लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। आंच बिल्कुल हल्की कर दें, इतनी आंच पे आप दम लगा दें इसको। ठीक हो गया, अब हम इसको 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। मैं इस पर कोई कपड़ा, कोई एल्युमिनियम फाइल वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, एज इट इज़ ही बस ढक्कन से ढक दिया और माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे रेडी हो जाएंगे। अच्छा व्यूवर्स, अगर आपने उसमें शामिल करना है कलर तो 5 मिनट हो चुके हैं हमारे दम दिए हुए। अब हम इसमें उसको खोल के उसमें थोड़ा सा कलर जो है वो ऐड कर देंगे ताकि आपकी चावलों का जो कलर है और वो जो आप पेश करें तो उनकी शक्ल बहुत अच्छी हो, उनकी लुक बहुत अच्छी आए, इसलिए हम उस पर थोड़ा सा येलो कलर दो चुटकी घोल के इस कप में मैंने उसको घोल लिया था। देख रहे हैं कि इस तरह का उसका जो रह गया वो कलर नज़र आ रहा है ऑरेंज ऑरेंज सा, उसको हम चावलों पर डाल देंगे। और अब हम अपना रायता रेडी करते हैं इसके लिए। अब ये देखिए, अब मैंने प्याज भी धो के इसमें शामिल कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही ऐड करेंगे और ये जो हमने चटनी बनाई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। अब एक बीटर लेके हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सर्विंग बाउल के अंदर ही बना रही हूँ इसको, इसलिए आप थोड़ा सा इजी होकर उसको आराम आराम से फेंटें ताकि बहुत ज़्यादा बर्तन भी अगर जिन घरों में मेड नहीं है बच्चियों ने खुद धोने होते हैं, इसलिए ये ना हो कि हमें तो ढेर सारे बर्तन ही लगाने पड़ जाते हैं। दही हमारा थोड़ा सा पतला है क्योंकि बाज़ार का दही है और वो बहुत जो है ना दही पतला है, इसलिए आपको इस तरह की उसकी लुक नज़र आ रही है। घर का बना हुआ दही हो तो वो बहुत बहुत ही अच्छा रायता बनता है, उसके साथ क्रीमी क्रीमी सा, लेकिन ज़ाहिर है बाज़ारी चीज़ों में और घर की बनी हुई चीज़ में कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा। अब मैं हल्का सा ज़ीरा इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी ताकि इसकी थोड़ी सी लुक जो है वो और अच्छी हो जाए। ठीक हो गया, रायता हमारा रेडी है। अब हम अपने बाउल को साफ़ करेंगे और अब मैं खाना टेबल पर लगाती हूँ। अब हम दम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हा करेंगे बंद। देखते हैं कैसे खिले खिले चावल माशाल्लाह बन गए सारे, बहुत अच्छे से पुलाव हमारा रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए व्यूवर्स, हमारा पुलाव बहुत ही अच्छा कलरफुल सा रेडी हो गया है। अब आप देखें इस तरह आप अपनी छोटी मोटी चीज़ों के साथ जो आपके घर में शामिल हैं, आपके घर में मौजूद हैं, उनके साथ आप अपने टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं और अपने खाने को अच्छा बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। देखें साथ में जूस है, फालसे का है, मैंगो मिल्क शेक है, मिर्ची है, रायता है, साथ में फ्रूट में खरबूज़ा इस मौसम में बहुत अच्छा होता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके पेट के लिए, आपके जिस्म में पानी की बहुत अच्छी मिकदार को जो वो पूरा करता है, और पेट में गुर्दों में अगर पथरी वगैरह हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समझा जाता है।
प्लीज़ ये खाएं, बनाएं और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।